हाय फ्रेंड्स, मैं हूँ रेखा यादव। वेलकम टू रेखा किचन। आज मैं बनाने जा रही हूँ बेसन की खस्ता पापड़ी। अगर आपको पसंद आए तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें। और प्लीज़ मेरा वीडियो देखते रहिए और अपना प्यार देते रहिए। बेल का बटन आप जरूर दबाइए सबसे पहले वीडियो देखने के लिए। और जिसने भी मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया है उसे मैं थैंक यू बोलती हूँ, और जिसने नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और प्लीज़ प्लीज़ मेरा वीडियो देखते रहिए और अपना प्यार देते रहिए। और ये कहीं भी आप अगर सफ़र में जा रहे हैं तो आप लेके जा सकते हैं बना के, और बहुत अच्छा टेस्टी और क्रिस्पी नाश्ता है। तो आप बना के देखिए, अगर आपको पसंद आए तो प्लीज़ मुझे कमेंट जरूर करें। और देखते हैं इसमें क्या लगता है और कैसे बनता है। ये मैंने पानी लिया है डो बनाने के लिए, ऑयल लिया मैंने फ्राई करने के लिए, और 2 बड़ा टेबल स्पून हम मैयान के लिए ऑयल लेंगे। और ये मैंने 1/4 कप मैंने मैदा लिया है, और 1/4 टीस्पून मैंने काली मिर्च लिया है, कूट लिया है मैंने दरदरा, और 2 चुटकी मैंने खाने वाला सोडा लिया है, और 1/4 चम्मच मैंने लाल मिर्च लिया है, और मिर्च और नमक आप अपने टेस्ट के हिसाब से लीजिए, और 2-3 चुटकी मैंने हींग लिया है, और नमक लेंगे स्वाद के अनुसार, और 1/4 चम्मच मैंने जीरा लिया है, और ये मैंने उड़द दाल का आटा लिया है। उड़द दाल को मैंने मिक्सी में पीस लिया है और उसका आटा बना लिया, डो बना लिया है आटा। तो आप बना सकते हैं घर में दाल को पीस के। और ये मैंने 1 कप बेसन लिया है, और हम देखते हैं कैसे बनता है। सबसे पहले कोई बर्तन ले लेंगे, बड़ा थाली है जो भी है जिसमें आप डो बनाते हो, आटा गूंथते हो, वो ले लीजिए, और उसमें बेसन हम डाल लेंगे। और उड़द दाल का जो आटा है मैंने उड़द दाल को पीस के उसे छान लिया था, और बेसन को भी, और मैदा उसे भी मैंने छान लिया है। और इसमें सोडा डालेंगे खाने वाला, काली मिर्च आप अपने टेस्ट के हिसाब से लीजिए, हींग, जीरा और लाल मिर्च और नमक, नमक भी आप अपने टेस्ट के हिसाब से लीजिए। और इसमें 2 टेबल स्पून हम ऑयल डालेंगे, और उसको अच्छे से हाथों से मसल लेंगे, मॉइल कर लेंगे। और इसे हमें कड़क डो बनाना है तो थोड़ा पानी डाल के एकदम कड़क डो बनाएंगे। तो इसको अच्छे से हाथ से मिला लेते हैं, मिक्स कर लेते हैं, और मैंने ये मॉइल कर लिया है, हाथों से अच्छे से मसल लिया है इसे मैंने। अब इसमें हम पानी डाल के डो बनाएंगे, थोड़ा थोड़ा पानी डालेंगे और कड़क आटा गूंदेंगे इसे हम, एकदम कड़क गूंदना है और गीला नहीं होने पाए। तो इसको अच्छे से मसल लेते हैं और डो बना लेते हैं इसका। ये मैंने डो बना लिया है, थोड़ा सा हम इसमें ऑयल डालेंगे, थोड़ा सा एकदम, और इसको थोड़ा सा अच्छे से एक बार और डो मसल लेंगे अच्छे से, इसको अच्छे से मसल लीजिए हाथों से। और देखिए मैंने एकदम कड़क डो बनाया है, और गैस पे मैंने कढ़ाई रख दिया है, ऑयल हमारा गर्म हो रहा है, तो हम इसकी पापड़ी बना लेते हैं। अभी इसमें से हम छोटा छोटा पेड़ा लेंगे, ऐसे ऐसे थोड़ा सा आप डो ले लीजिए, और उसको हाथों से ऐसे करके पेड़े जैसा बना लीजिए। और कड़क डो बनाइए, और गैस पे मैंने रख दिया है कढ़ाई, ऑयल हमारा गर्म हो रहा है, तो हम पापड़ी को बेल लेते हैं। आपको जितना बड़ा छोटा या पतला रखना हो आप रख सकते हैं, ऐसे करके हम बना लेते हैं। मैंने ये बना लिया है, अभी इसको हम बेल लेते हैं, इसकी पूरियाँ पापड़ी बना लेते हैं।
साइड में रख देते हैं इसको, देखो। और ऐसे करके आप इसकी पूरियां बेल लीजिए छोटी छोटी, और पतली बेलिए आप। ऐसे करके दबा के आप बेल लीजिए पूरियां। मैंने ये पूरी बेल ली है तो इसको साइड में रख देते हैं। ऐसे करके सारी पूरियां बना लेंगे हम। मैं आपको एक और दिखा रही हूँ। और इसमें सूखा आटा लगाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि डो आप कड़क बनाएंगे तो ये अपने आप पापड़ी बनती जाएगी। ऐसे करके आप दबा के, ज़्यादा मोटा मत करिए आप, पतला करिए। और ऐसे करके हम सारी बना लेते हैं। तो ये मैंने बना ली है पापड़ी, तो अभी हम फ्राई कर लेते हैं। ये मैंने गैस पे ऑयल रखा था, तो ऑयल हमारा गर्म हो गया है। तो अभी इसमें हम डाल लेंगे हमारी जो पापड़ी हमने बनाई है, बेली है। और गैस को मीडियम रखा है मैंने, और डालने के बाद में थोड़ा गैस हम फास्ट कर देंगे। और इसको हमें ज़्यादा नहीं पकाना है, और ब्राउन होने तक, हल्का गुलाबी हो जाए तब तक हमें इसे पकाना है। और इसको पलट लेंगे। ऑयल गर्म हो जाए तभी आप गैस को मीडियम कर दीजिए, और मीडियम आंच पे बना लीजिए। और अच्छे से दोनों साइड से हम पकाएंगे, और लेकिन ज़्यादा नहीं हमें पकाना है। ऐसे करके, और अभी हम ये पक गया है और बहुत जल्दी पक जाता है, तो इसे हम निकाल लेंगे कि हमें ज़्यादा नहीं पकाना है। और दूसरा हम डाल लेंगे इसके अंदर, इसको निकाल लेते हैं और दूसरा डाल लेते हैं हम। ऐसे करके हम बाकी के भी फ्राई कर लेंगे। तो ये पक गई है दूसरी भी, सेकंड बैच का भी हो गया है, बाकी भी बन गई है पापड़ी हमारी। तो हम निकाल लेंगे और सर्व करेंगे। ये मैंने एक प्लेट में निकाल लिया है, तो आप इसे चाय के साथ में या किसी बटाटे टमाटो की सब्जी के साथ में भी बहुत अच्छा लगता है। अचार के साथ में, आपको जिसके साथ पसंद हो आप उसे उसके साथ सर्व करिए, और बहुत अच्छा है। और आप इसे बना के रख भी सकते हैं, एक हफ्ते तक यूज़ करिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और देखिए मैं आपको एक तोड़ के दिखाती हूँ कितना क्रिस्पी बना है, और एकदम करारा बनता है और टेस्टी भी है। तो आप बना के देखिए, और अगर आपको पसंद आए ये तो प्लीज़ मुझे कमेंट करें। आप सफ़र में लेके जा सकते हैं, और देखिए बहुत, जितना देखने में अच्छा है उतना खाने में भी टेस्टी और क्रिस्पी है। तो बनाइए और प्लीज़ मुझे कमेंट करें, और प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक करें, कमेंट करें, और प्लीज़ मेरा वीडियो देखते रहिए। और फिर से मिलते हैं हम नए रेसिपी में। बाय फ्रेंड्स।